वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, ये वाली वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वाली सीरीज को मैंने जैसे प्रीवियस सीरीज स्टार्ट की थी, सेम उसी तरीके से इसको भी स्टार्ट करूँगा। इसमें मैं जो टारगेट रखूँगा $1000 डेली विदड्रॉल करके दिखाऊंगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए सीरीज को स्टार्ट नहीं कर रहे। मैं इस अगस्त मंथ के लिए सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली मैं $1000 का प्रॉफिट करूँगा और आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। तो उसको दिखाने का पर्पज़ ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती। मेरा मानना है कि यार स्ट्रेटजी काम करती है, बस आपको उस पर बने रहना है और जो भी उसको बैक टेस्टिंग करेंगे इतने अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल मैंने उसको जो बैक टेस्ट किया है, 3 मिनट पर बैक टेस्ट किया है। 3 मिनट पर दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप उसमें ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, और दूसरा जो नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको 3 मिनट पर बैक टेस्ट किया और आप लोगों के साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। मैं फालतू की बात नहीं करता, सीधी सीधी काम की बात करता हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, और सबसे पहले मैं अपना डिपॉजिट जाता हूँ, डिपॉजिट करूँगा इसमें। तो डिपॉजिट करने के लिए मैं USDT यूज करता हूँ, USDT इधर ईयर से। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इस पर मैं $10,000 डिपॉजिट करूँगा। जो हमारी प्रीवियस सीरीज थी उसमें मैंने ₹10,000 INR डिपॉजिट किया था, लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। तो $10,000 में डिपॉजिट करूँगा और $1,000 में डेली आपको विड्रॉल करके दिखाऊंगा। मैं कोई प्रोमो कोड वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विड्रॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने डिपॉजिट पर सिंपल क्लिक कर दिया। तो ये जो कॉपी एड्रेस है इसको मैं कॉपी करूँगा, या फिर मैं अपने दूसरे जो मेरे ट्रेडिंग जिसमें USDT पड़े हुए हैं, तो जिससे फिर मैं स्कैन करके डायरेक्ट इसको कॉपी कर दूँगा, या फिर डायरेक्ट इसे पे कर दूँगा। रिकॉर्डिंग ऑन करने का मतलब मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ। USDT मैंने क्लिक किया है और मैं सबसे पहले स्कैनर पर जाता हूँ और मैं यहाँ से इसको स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद ERC-20 मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मैं अपना जो फंडिंग मैंने इसमें पड़ा हुआ है, बाकी के मैंने डेरिवेटिव में डाल दिया। तो एक बायबिट प्लेटफॉर्म मैं इसको यूज़ करता हूँ, और इसके भी मैं नेक्स्ट टाइम इस पर वीडियो अपलोड करूँगा, मैं इसमें कैसे ट्रेडिंग करता रहता हूँ। तो इसकी $5 यहाँ पर फीस लगी हुई है, तो मैं 10,005 यहाँ से ऐड कर लिया। तो मैंने यहाँ पर विड्रॉल पर सिलेक्ट कर दिया। विड्रॉल पर जाने के बाद मैंने यहाँ से कंफर्म कर दिया, और एक कोड आएगा ईमेल पर, और ईमेल पर कोड आने के बाद मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। तो इस कोड पर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके और डायरेक्ट मैंने पेस्ट पर क्लिक कर दिया और कन्फर्म कर दिया। और ये मेरी तरफ से यहाँ से विड्रॉल अप्लीकेशन बिल्कुल सबमिट हो गया। तो गाइस यार, पेमेंट बिल्कुल कंप्लीट होगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा तो आपके सामने सक्सेसफुली हो गया 10,005 डिपॉजिट वाज सक्सेसफुली, योर बैलेंस हैज बीन अपडेट। तो मैंने इसको अपडेट किया, जो फाइव जो अपडेट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसमें $5 फीस कट रही थी, तो इन्होंने टोटल इसमें डिपॉजिट कर दिया। तो गाइस यार, ये हमारी वेबसाइट है rajivrajput.com। इस पर ये मैं मनी मैनेजमेंट क्लिक कर दिया। मनी मैनेजमेंट के बाद इसमें ईमेल आईडी, इसका जो पासवर्ड मेरे पास से लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपको ये वाला जो पासवर्ड है वो स्पेशल मेरे पास है, मैं आपको सेंड करूँगा तभी आपको इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से साइन इन कर दिया। तो साइन इन के बाद मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें $10,000 मैंने यहाँ फिल कर दिया, और टोटल ट्रेड जो हमारी सीरीज थी उसमें 5 थी, इसमें 6 रखेंगे, तो मैंने यहाँ 6 कर दिया। तो क्या है कि अब अगर हम हमारी जो टोटल कैपिटल है $10,000 है, और इसमें टोटल 6 ट्रेड होगी, 6 और इनमें से विन ट्रेड, अगर हमारी 6 में से एक विन ट्रेड भी हो जाती है तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो क्या है कि अब सबसे पहले इसका जो अमाउंट आ गया 102, तो इसका मैं अमाउंट हो गया 102 को मैं फिल करता हूँ 103। तो इसका मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट है, और इसको मैं जो ट्रेड करूँगा 3 मिनट के चार्ट पर करूँगा, जिससे क्या है कि आप भी पेशेंस में बने रहोगे। और इसमें मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल ही यूज करूँगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा लगातार रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल, हम यहाँ ट्रेड प्लेस करेंगे, और ट्रेड भी हमारी 3 मिनट की एक्सपायरी रहेगी। तो 3 मिनट के लिए ये सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये कम्प्लीट हो जाएगा इसका लास्ट का सेकेंड बचेंगे तो ये वाला हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। और ये कोई भी OTC मार्केट नहीं है, रेगुलर मार्केट में आपको मैं ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस सीरीज में आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी चीज़ें, आप ग्रेड बोल सकते हैं इसको। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैं दूसरे पेयर में इस तरीके से सर्च करता हूँ।
तो गैस यार इसको सीरीज को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यार आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगे, आप भी पेशेंस के साथ ट्रेड करें, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ पेशेंस के साथ, तो आप भी ट्रेड करेंगे पेशेंस के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इसमें टाइम है, टाइम को कम्प्लीट होने के बाद मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो हम रेडी हो जाते हैं ट्रेड लेने के लिए, और इसमें लॉजिक यही रहेगा कि जब हमारे चार्ट भी 3 मिनट का है तो ये भी हमारे ट्रेड भी 3 मिनट की रहेगी। तो ये मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और यहाँ साउंड थोड़ा म्यूट है, मैंने इसको हाइड कर रखा था, अब मैंने इसको ऑन कर दिया। तो इसमें वेट भी हम 3 मिनट तक करेंगे, क्योंकि जो एक्सपायरी है इसकी 3 मिनट है, और इसका देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू ट्रेडर्स पर। तो अभी भी पेशेंस के साथ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे वीडियो देखने में आप लोगों को प्रॉब्लम आए, तो वेट कर लेते हैं। ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई, तो इसमें मैं कोई भी मार्टिंगल वगैरह यूज नहीं करूँगा, मार्टिंगल से गलत इम्पैक्ट पड़ता है न्यू ट्रेडर पर। तो मैं अपने मैनेजमेंट पर सिस्टम पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया इसको। तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 2 to 8, तो इस अमाउंट को मैं फिल कर दूंगा 2 to 8। अगर ये कम्प्लीट ट्रेड बनती है तो मैं डाउन के लिए चला जाऊँगा इसमें। इसमें देखता हूँ कुछ है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये ट्रेड हमसे यहाँ से मिस हो गई। अगर इसमें मैं मार्टिंगल यूज करता तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाती, पर हम इसको नॉन मार्टिंगल स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं दूसरे पेयर में गया और यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी हो गया, और मैंने यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई, तो मैनेजमेंट सिस्टम पर चलते हैं, और मैंने यहाँ पे विन पेस्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो इसके बाद ये जो अमाउंट है 103, मैं इसको यहाँ फिल कर लूँगा 103। तो गाइस यार यहाँ पे मैं रेडी हो जाता हूँ, और मैं यहाँ पर 3 मिनट की ट्रेड करूँगा, और मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और ट्रेड प्लेस करने के बाद मैं वेट करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल सुना दूँ, इससे पहले कि कुछ ज्ञान मुझे ज्ञान देने आए मैं उन्हें बता दूँ, जेब नोटों से खचा खच भरी हो तो पैर बड़ी आसानी से मिल जाता है, सड़क पर बैठे भिखारी भी किसी का दिल नहीं आता है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है, और चलता हूँ मैं मैनेजमेंट पर। तो मैं यहाँ विन पेस्ट कर दिया, 104 नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है, तो मैं यहाँ फिल कर दिया। तो हम यहाँ पर रेडी हो जाते हैं, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो मैं यहाँ पर 3 मिनट लगा देता हूँ, और मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड हमारे लॉस हो गई, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ पे लॉस फिल कर दिया, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 232। तो गाइस यार ये वाला जो सेटअप था 1 2 3, उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये ट्रेड हमसे थोड़े से बाद में पता चला था, मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका। ये ट्रेड हमारी विन हो गई, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ पे विन पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया 105, मैं फिल कर दूंगा 105। तो मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा।
ये डेट हमारी विन हो गई, चलते मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ पे विन पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट डेट अमाउंट आया हमारा 106, मैं फिल कर दूंगा 106। तो मैं यहाँ पर रेडी हो जाता हूँ ट्रेड करने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने टाइम का विशेष ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम इसमें डिफ़ॉल्ट 1 मिनट का है, मैं इसको मैनुअली 3 मिनट का कर रहा हूँ। तो मैं अपसाइड के लिए रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए। मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। तो मैं इसलिए लेट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको टाइम भी कंज्यूम हो रहा है मेरा भी। तो इसको करने का लॉजिक यही है कि आप लोग थोड़ा सा ओवर ट्रेड ना करें और मुश्किल से ट्रेड ढूंढें, इधर से उधर टाइम वेस्ट ना करें। तो ये ट्रेड विन हो गई। तो मैनेजमेंट सिस्टम पर चलता हूँ मैं। यहाँ पर कैपिटल विन सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 107, मैं फिल कर दूँगा 107। तो कैसे यार यहाँ पर सेटअप बनना, 1 2 3 रेड, उसके बाद ग्रीन कैंडल, और मैं यहाँ पर 2 मिनट सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारे विन हो गए, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ पर कैपिटल W यानी कि विन मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। और जो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट हमारा 108, मैं फिल कर दूंगा 108। तो गाइस सर यहाँ पर 1 2 3 रेड कैंडल, उसके बाद सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया था। तो मैं 2 मिनट के साथ डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारी विन होगी, चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ कैपिटल विन पेस्ट कर दिया है, तो इसको मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 109, मैं फिल कर दूंगा 109। तो गाइस यार यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी होगा। मैं 3 मिनट के लिए अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट इतना हो चुका है। इसको मैं और भी रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट है, देख सकते हैं। ये ट्रेड हमारी विन हो गई, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि दूसरी वाली भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये वाली ट्रेड हमारी विन हो जाती। तो चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैंने कैपिटल विन का यहाँ पेस्ट कर दिया और मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 110, तो मैं फिल कर दूंगा 110। तो ओवरऑल प्रॉफिट देख सकते हैं इतना हो गया। डाउन के लिए मैं ट्रेड प्लेस कर, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है दोनों का। वेजर ये लास्ट सेकंड में एकदम से इसमें मोमेंटम आ गया। तो चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ पे कैपिटल लॉस फिल कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आएगा हमारा 244। तो यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो रहा है, हमें यहाँ रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने 3 मिनट के लिए यहाँ फिल कर दिया और मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
ये ट्रेड हमारी विन हो गई। चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैंने यहाँ विन फिल सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया 110। तो मैं देखता हूँ ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया $900 के आसपास। टारगेट 1000 का। तो मैं एक ट्रेड और प्लेस करूँगा। तो गाइज़र यहाँ पर हमारी रेड कैंडल हो गई। मैंने यहाँ पर 3 मिनट लगा लिया और मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई। चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। मैं यहाँ पर कैपिटल लॉस के साथ मैंने इसको यहाँ सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 246। तो मैं यहाँ फिल कर दूँगा 246। तो दूसरे पेयर में देखता हूँ कुछ मिलता है। तो गैजर यहाँ पर बिल्कुल हमारा सेटअप रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पर 3 मिनट सेलेक्ट करके और मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड हमारे लॉस हो गए। चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैं यहाँ पे लॉस मैंने सबमिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा 546। तो मैं फिल करूँगा 546। तो गैजर यहाँ पर 1, 2, 3 उसके बाद ग्रीन कैंडल और फिर मैंने यहाँ पर 2 मिनट के ट्रेड के साथ मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करने का लॉजिक 1, 2, 3 रेड कैंडल उसके बाद ग्रीन कैंडल मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो गई। मैंने इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। यहाँ से चली विन विन लॉस विन 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 यहाँ तक लॉस विन। Thank you.